पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज की इस वीडियो में हम लिस्ट एंड टुपल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप, इंडेक्स, काउंट, सॉर्ट, कॉपी, क्लियर, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड को लिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट कैपिटल ब्रैकेट से शुरू होता है और कैपिटल ब्रैकेट के साथ ही क्लोज होगा। इसमें मल्टीपल आइटम्स होंगे। हर एक आइटम इन्वर्टेड कोमाज में होगा या डबल कोट्स में होगा और हर एक आइटम कोमे के द्वारा सेपरेटेड होगा। किसी भी लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं। आइटम्स हमेशा ऑर्डर्ड होंगे, चेंजेबल होंगे और डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। ऑर्डर्ड मींस किसी भी आइटम को आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। आप ए टू जेड या जेड टू ए इसे अरेंज कर सकते हैं या किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू को आप स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू अरेंज कर सकते हैं या फिर लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही हर एक आइटम चेंजेबल है, मींस आइटम को रिप्लेस भी किया जा सकता है, किसी भी आइटम को लिस्ट के अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरह से लिस्ट के आइटम चेंजेबल होते हैं। और डुप्लीकेट्स आइटम मींस कि एक ही आइटम लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ लिस्ट वन एक लिस्ट है जिसके अंदर एप्पल, बनाना एंड लेमन तीन आइटम्स है। हर एक आइटम डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है और कोमे के द्वारा सेपरेटेड है। लिस्ट कैपिटल ब्रैकेट से शुरू है और कैपिटल ब्रैकेट पे ही क्लोज है। इसे प्रिंट करेंगे, रन करते हैं तो हमारा लिस्ट प्रिंट होके आ गया। इसी तरह से हम यहाँ टाइप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। टाइप लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, रन करेंगे तो ये हमारा क्लास एज ए लिस्ट है। इसके साथ ही हम यहाँ लिन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। लिन मेथड यूज करेंगे। लिन मीन्स हम यहाँ लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स है ये काउंट करेंगे। रन करेंगे तो यहाँ लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स है। क्लियर ऑल। इसके अलावा आप लिस्ट को अनपैक भी कर सकते हैं। अनपैक मीन्स हर एक आइटम को आप अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, एक्स, वाई एंड जेड, और मैं यहाँ लिस्ट 1 रखूंगा। मीन्स मैं लिस्ट के हर एक आइटम को एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं सिर्फ किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, एक्स लिखेंगे, रन करेंगे तो यहाँ सिर्फ एप्पल आ गया। मीन्स मैंने टेबल को अनपैक कर दिया, हर एक आइटम को मैंने अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया। इसी तरह आप लिस्ट के किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे और किसी भी आइटम को प्रिंट करने के लिए लिस्ट 1 लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट बनाएंगे, कैपिटल ब्रैकेट, और यहाँ हम एप्पल हमारा 0 काउंट है, बनाना 1 और लेमन हमारा 2। जैसा हमने स्ट्रिंग के लिए किया था, स्ट्रिंग वाली वीडियो में भी सेम हमने यही पैटर्न फॉलो किया था, तो वही पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ और मैं प्रिंट करूंगा तो एप्पल प्रिंट होगा। सेम आप यहाँ एक से ज्यादा आइटम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, कोलन यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड आइटम को एक्सेस करूंगा। एप्पल हमारा 0 है, फर्स्ट हमारा बनाना और सेकंड हमारा लेमन। मींस मेरे पास बनाना एंड लेमन प्रिंट होके आएगा, बनाना एंड लेमन। इसी तरह से आप यहाँ खाली छोड़ सकते हैं और प्रिंट करेंगे तो मेरी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। सेम मैं इनिशियली एक नंबर रखूंगा और लास्ट में मैं ब्लैंक रखूंगा तो यहाँ भी मेरे पास लास्ट के 2 आइटम यहाँ प्रिंट होके आ गए। तो इस तरह से आप किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, आप एक या एक से ज्यादा आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब इंसर्ट मेथड को देखेंगे। इंसर्ट मेथड को यूज करने के लिए मैं लिस्ट 1 और यहाँ एक डॉट या फुल स्टॉप यूज करूंगा, इंसर्ट लिखूंगा, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ मैं लोकेशन दूंगा जिस जगह मुझे कोई भी एक आइटम इंसर्ट करना है। तो एप्पल मेरा 0 है तो यहाँ मैं 1 लेता हूँ कि मुझे 1 लोकेशन पे कीवी ऐड करना है। मींस मुझे एप्पल के जस्ट बाद कीवी को ऐड करना है। प्रिंट में मैं लिस्ट 1 लिखूंगा क्योंकि मैंने इसी सेम लिस्ट के अंदर इंसर्ट किया है आइटम को, तो मैं सिर्फ लिस्ट को फाइनल प्रिंट की फॉर्म में ही रन करूंगा तो आप देखेंगे कि एप्पल के जस्ट बाद कीवी ऐड हो गया। इसी तरह से आप अपेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं लोकेशन हटाऊंगा क्योंकि अपेंड सिर्फ लास्ट में ही आइटम को इंसर्ट करता है। जब भी आप अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे या अपेंड मेथड को यूज करेंगे तो वो लिस्ट के बिल्कुल सबसे लास्ट में ही आइटम को ऐड करेगा। रन करेंगे तो आप देखें कीवी बिल्कुल लास्ट में ऐड हो गया। इसी तरह से ही एक्सटेंड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एक लिस्ट बनाएंगे,
लिस्ट टू कैपिटल ब्रैकेट और यहाँ हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज लेंगे 1, 2, 3, 4 मीन्स आप लिस्ट के अंदर कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड रख सकते हैं या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं या कोई भी बुलियन ऑपरेटर्स भी रख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स भी आप लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ मैं लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को एक्सटेंड करूंगा, तो इसके लिए मैं एक्सटेंड यूज करूंगा और यहाँ मैं लिस्ट 2 लिखूंगा। हम अब लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट 1 के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज यानी लिस्ट 2 के आइटम भी ऐड हो गए। तो इस तरह से आप एक्सटेंड मेथड को यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड फंक्शन की हेल्प से आप कोई भी नॉन लिस्ट मीन्स आप टूपल्स वगैरह को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इसे टूपल में कन्वर्ट करूंगा, टूपल स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और स्मॉल ब्रैकेट पे ही क्लोज होंगे और सेम मैं इसे प्रिंट करूंगा। यानी हमारा लिस्ट 1 लिस्ट है और लिस्ट 2 हमारा एक टूपल है क्योंकि टूपल स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और स्मॉल ब्रैकेट पे ही क्लोज होते हैं। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ लिस्ट के अंदर टूपल्स के आइटम भी ऐड हो गए हैं। अब रिमूव मेथड को देखेंगे, लिस्ट 2 को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ मैं रिमूव एज ए मेथड यूज करूंगा। रिमूव लिखेंगे और यहाँ जिस भी आइटम को आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मैं एप्पल को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं एप्पल लिखूंगा। प्रिंट करेंगे तो यहाँ एप्पल रिमूव हो गया है, यहाँ सिर्फ बनाना एंड लेमन ही प्रिंट होके आया है। इसके अलावा आप पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी इंडेक्स नंबर के बेसिस पे भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। पॉप लिखेंगे और यहाँ आइटम नंबर लिखेंगे आइटम 2 यानी मैं लेमन को रिमूव करना चाहता हूँ। रन करेंगे तो एप्पल एंड बनाना ही आएगा क्योंकि लेमन का इंडेक्स नंबर 2 है, एप्पल 0 से स्टार्ट होगा, बनाना 1 होगा और लेमन हमारा 2 होगा, तो यहाँ 2 रिमूव हो गया है। इसके बाद इंडेक्स मेथड देखेंगे। इंडेक्स मेथड को आप किसी भी आइटम का इंडेक्स नंबर पता करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे लेमन का इंडेक्स नंबर पता करना है तो इसके लिए मैं इंडेक्स मेथड यूज कर सकता हूँ। इंडेक्स लिखेंगे और जिस भी आइटम का मुझे इंडेक्स नंबर पता करना है मैं उसे ब्रैकेट में लिखूंगा लेमन और इसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे सो दैट कि हम उस नंबर को एक्सेस कर पाए। एक वेरिएबल बनाते हैं x इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड x को हम यहाँ प्रिंट करेंगे। रन किया तो लेमन मेरा इंडेक्स नंबर 2 पर है, एप्पल 0, बनाना 1 एंड लेमन इंडेक्स नंबर 2। इसी तरह से आप बनाना का देख सकते हैं। रन करेंगे तो इंडेक्स नंबर 1 पर बनाना है। तो इस तरह से आप इंडेक्स फंक्शन को यूज कर सकते हैं किसी भी आइटम का इंडेक्स नंबर पता करने के। इसके बाद काउंट फंक्शन देखेंगे। काउंट फंक्शन के लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 2 कैपिटल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कुछ नंबर वैल्यूज लेंगे 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3। अब मैं यहाँ काउंट लिखूंगा, काउंट यहाँ लिस्ट 2 लिखूंगा क्योंकि मैं लिस्ट 2 के अंदर से एक्सेस करने वाला हूँ किसी भी नंबर के काउंट को। जैसे कि मुझे 2 का काउंट पता करना है कि 2 इस मेरी लिस्ट के अंदर कितनी बार अवेलेबल है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और इसे पूरे फंक्शन को या पूरे मेथड को हम एक वेरिएबल x के अंदर कैप्चर कर रहे हैं। x को प्रिंट करेंगे तो यहाँ 3 प्रिंट होके आया, मीन्स 2 नंबर लिस्ट 2 के अंदर 3 टाइम्स अवेलेबल है। जैसे कि ये इस पोजीशन पे 2 अगेन 2 एंड देन 2। इसी तरह से हम 1 भी चेक कर सकते हैं, 1 कितनी बार इस पूरी लिस्ट में अवेलेबल है, तो 1 दो बार अवेलेबल है। तो इस तरह से आप किसी भी आइटम के काउंट निकालने के लिए किसी लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर आइटम कितनी बार अवेलेबल है या इंडेक्स्ड है इसे आप काउंट मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके बाद सॉर्ट फंक्शन देखेंगे। सॉर्ट फंक्शन को यूज करने के लिए मैं वेरिएबल को रिमूव करूंगा और यहाँ मैं काउंट की जगह सॉर्ट लिखूंगा। सॉर्ट ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू हम नहीं रखेंगे, प्रिंट में लिस्ट 2 लिखेंगे, मीन्स मैं लिस्ट 2 के आइटम को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू अरेंज करना चाहता हूँ, उन्हें सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने लिस्ट 2 पर सॉर्ट फंक्शन या सॉर्ट मेथड को यूज किया है और उसके बाद मैंने लिस्ट 2 को प्रिंट किया है। प्रिंट करेंगे तो यहाँ लिस्ट 2 के अंदर जितने भी आइटम अवेलेबल थे वो स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ अरेंज होके आ गए। इसी तरह से आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी ले सकते हैं, उसके लिए आप रिवर्स मेथड यूज करेंगे। रिवर्स मेथड को सॉर्ट मेथड के साथ ही यूज करना होता है। ब्रैकेट में हम रिवर्स लिखेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू और यहाँ हम एक बुलियन ऑपरेटर को यूज करेंगे ट्रू, मींस उसे रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना है। रन करेंगे तो आप देखेंगे लिस्ट 2 के आइटम रिवर्स ऑर्डर के हिसाब से यहाँ हमारे पास प्रिंट होके आ गए, यानी लार्जेस्ट वैल्यू हमारी सबसे स्टार्टिंग में है और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी सबसे लास्ट में है। इस तरह से आप सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं और सॉर्ट मेथड के साथ आप रिवर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप सॉर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू या अल्फाबेटिकली जेड टू ए की तरफ हम आइटम्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद कॉपी मेथड देखेंगे। कॉपी मेथड से आप किसी भी लिस्ट का डेटा किसी दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक लिस्ट 3 बनाता हूँ और लिस्ट 1 का डेटा मैं लिस्ट 3 के अंदर स्टोर करूंगा।
लिस्ट वन लिखेंगे क्योंकि लिस्ट वन का डेटा हम कॉपी करने वाले हैं। उसके बाद मेथड यूज करेंगे कॉपी, स्मॉल ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम लिस्ट वन के आइटम लिस्ट थ्री के अंदर स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ लिस्ट थ्री को प्रिंट करूंगा तो यहाँ लिस्ट वन के सारे आइटम प्रिंट होके आ गए, यानी हमने लिस्ट वन के सारे आइटम्स को लिस्ट थ्री के अंदर स्टोर कर लिया है थ्रू कॉपी मेथड। तो इस तरह से आप किसी भी लिस्ट के आइटम को किसी भी दूसरे लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते। अब क्लियर मेथड देखेंगे। क्लियर मेथड की हेल्प से आप किसी भी लिस्ट के अंदर अवेलेबल जितने भी आइटम है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं लिस्ट वन के अंदर से सारे आइटम को क्लियर करूंगा तो उसके लिए मैं क्लियर मेथड यूज करूंगा। क्लियर लिखेंगे, लिस्ट वन को मैं क्लियर करूंगा तो लिस्ट वन डॉट क्लियर, और उसके बाद मेथड जब भी हम यूज करते हैं तो ब्रैकेट्स बनाते हैं। प्रिंट मैं लिस्ट वन को करूंगा क्योंकि मैं लिस्ट वन के आइटम्स को ही क्लियर कर रहा हूं। इसके बाद प्रिंट करेंगे रन, तो यहां लिस्ट वन क्लियर हो गई है, मीन्स इसके अंदर कोई भी आइटम अब अवेलेबल नहीं है। अब हम मिनिमम एंड मैक्सिमम मेथड को देखेंगे। मिनिमम मेथड की हेल्प से आप किसी भी लिस्ट के अंदर मिनिमम या लोएस्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सेम इसके अपोजिट मैक्सिमम मेथड से आप किसी भी लिस्ट के अंदर अवेलेबल लार्जेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर हम वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे। मैक्स एज ए मेथड यूज करेंगे और मेथड के लिए ब्रैकेट्स बनाएंगे। अब मैं यहाँ लिस्ट टू लिखूंगा क्योंकि मैं लिस्ट टू के अंदर से ही मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को एक्सेस करने वाला हूँ, लिस्ट टू, और इसके बाद मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। यानी मैंने मैक्स या मैक्सिमम मेथड की हेल्प से लिस्ट टू के अंदर अवेलेबल आइटम या वैल्यूज में से हाईएस्ट वैल्यू को मैंने यहाँ एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है और एक्स को फिर मैंने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट किया है। रन करेंगे तो यहाँ मेरे पास 3 आ गया, यानी 3 लिस्ट 2 के अंदर हाईएस्ट वैल्यू है। सेम इसके अपोजिट हम यहाँ मिनिमम लिखेंगे, उसके लिए हम min min यूज करेंगे और सेम इसी वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। रन, तो लिस्ट 2 के अंदर अवेलेबल जितने भी आइटम है या जितनी भी वैल्यूज है उनमें 1 मिनिमम वैल्यू है या सबसे छोटी वैल्यू। तो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम मेथड को यूज करके किसी भी लिस्ट के अंदर से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद टूपल मेथड्स देखेंगे। टूपल्स भी सेम लिस्ट के जैसे ही होते हैं, लेकिन टूपल स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और उनके अंदर भी मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं जो कि डबल इन्वर्टेड कोट्स में होंगे और कोमे द्वारा सेपरेटेड होंगे। लेकिन लिस्ट एंड टूपल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होंगे, लिस्ट के आइटम चेंजेबल होंगे और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज या डुप्लीकेट्स आइटम भी हो सकते हैं। वहीं टूपल्स के अंदर आइटम्स ऑर्डर्ड होंगे लिस्ट के जैसे ही, लेकिन ये अनचेंजेबल होंगे, मीन्स टूपल के आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते और इसके अंदर आइटम्स डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं लिस्ट के जैसे ही। एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। यहाँ टूपल वन के अंदर कुछ फ्रूट्स अवेलेबल है। टूपल्स हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होंगे, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज होंगे, आइटम डबल इन्वर्टेड कोट्स में होंगे और कोमे द्वारा सेपरेटेड होंगे। टूपल को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ टूपल हमारे प्रिंट होके आ गए। यहाँ हम टाइप मेथड यूज करेंगे, टाइप ब्रैकेट बनाएंगे और इसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ क्लास हमारी टूपल है। तो टूपल हमारे ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और इनमें डुप्लीकेट्स वैल्यू हो सकती है। सेम लिन का फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ देखने के लिए। लिन, तो यहाँ 3 आइटम्स टूपल्स के अंदर अवेलेबल है। टूपल्स के आइटम को चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही किसी भी टूपल के अंदर कोई आइटम हम इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही उसे चेंज कर सकते। और टूपल के किसी भी आइटम को हम लिस्ट के जैसे ही एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इंडेक्स नंबर फर्स्ट को यानी बनाना को प्रिंट करूंगा तो मैं टूपल कैपिटल ब्रैकेट्स यूज करेंगे और उसमें इंडेक्स नंबर लिखेंगे, रन करेंगे तो मेरा बनाना यहाँ प्रिंट होके आ गया है। तो अगर आप किसी भी टूपल के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसे पहले आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, देन आप उसमें चेंजेस करेंगे। आप जितने भी मेथड लिस्ट के लिए मैंने इस वीडियो में बताए हैं आप वे सारे मेथड यूज कर पाएंगे। देन चेंजेस करने के बाद या जो भी आप उसमें रिमूव करना चाहते हैं या उसे अरेंज करना चाहते हैं वो करने के बाद आप उस लिस्ट को अगेन टूपल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप टूपल को प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से आप टूपल के आइटम्स को इनडायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टूपल को पहले आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप लिस्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे कि मैं टूपल वन को लिस्ट वन में चेंज करूंगा, लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट मेथड यूज करेंगे, लिस्ट लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और जिस टूपल को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है यहाँ हम उस टूपल का नाम लिखेंगे, टूपल वन। इसके बाद हम लिस्ट वन को प्रिंट करके देखेंगे तो ये हमारी लिस्ट आ गई, क्योंकि लिस्ट हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और आइटम डबल कोट या सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। टाइप देख लेते हैं,
टाइप मेथड यूज करेंगे और उसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा टूपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद लिस्ट में आप अगर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिस्ट वन में कोई आइटम ऐड करूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ ब्रैकेट्स बनाऊंगा, कैपिटल ब्रैकेट, और यहाँ मैं इंडेक्स नंबर दूंगा, इंडेक्स वन इज इक्वल टू यूज करेंगे, और उसके बाद जो भी आइटम हम ऐड करना चाहते हैं उसे इन्वर्टेड कोट्स मिलेंगे, कीवी। यानी मैं लिस्ट वन में बनाना के जगह कीवी को ऐड करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूंगा, रन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बनाना की जगह कीवी प्रिंट होके आ गया है। मैं इसे एक कमेंट बना देता हूँ, हैश यूज करेंगे, उसके बाद फिर इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एप्पल, बनाना एंड लेमन तीनों आइटम वे ही आइटम है जो टूपल वन में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करने के बाद आप इस लिस्ट को टूपल में ही कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अगेन टूपल लिखूंगा, टूपल वन इज इक्वल टू, अब की बार मैं टूपल मेथड यूज करूंगा, टूपल स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं लिस्ट का नाम लिखूंगा जिसे मुझे टूपल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि लिस्ट वन। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ टूपल वन को पहले लिस्ट वन में कन्वर्ट किया, देन मैंने लिस्ट वन के अंदर इंडेक्स नंबर वन यानी आइटम नंबर वन को मैंने चेंज किया, उसके बाद मैंने लिस्ट वन को वापस टूपल में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन मैं टूपल को प्रिंट करूंगा, टूपल वन लिखेंगे एंड इसे प्रिंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ टूपल वन के अंदर इंडेक्स वन पर जो भी आइटम था वो चेंज हो गया है। यहाँ टाइप मेथड देख लेते हैं, क्लास टूपल। तो इस तरह से टूपल वन के अंदर आप इनडायरेक्टली किसी भी आइटम को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप एक बार लिस्ट में उसे चेंज करेंगे या किसी टूपल को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लिस्ट मेथड को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी लिस्ट मेथड उस पर अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन उस लिस्ट को वापस आप टूपल में कन्वर्ट करके टूपल को प्रिंट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने लिस्ट एंड टूपल मेथड्स के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे हम किसी आइटम को लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे अपेंड कर सकते हैं, और कैसे दो अलग अलग लिस्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, या किसी दूसरे आइटम जैसे टूपल को एक लिस्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी आइटम को रिमूव कर सकते हैं, उसे पॉप यानी इंडेक्स नंबर की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं, इंडेक्स मेथड की हेल्प से हम किसी भी आइटम का इंडेक्स नंबर पता कर सकते हैं किसी भी लिस्ट या किसी भी टूपल के अंदर, काउंट मेथड की हेल्प से आप किसी भी नंबर का या किसी भी आइटम का नंबर काउंट कर सकते हैं कि वो आइटम उस पर्टिकुलर लिस्ट या टूपल के अंदर कितनी बार अवेलेबल है। सॉर्ट मेथड की हेल्प से आप लिस्ट के आइटम को अरेंज कर सकते हैं, आप अल्फाबेटिकली ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हैं। सेम आप मैथमेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू के लिए आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू में अरेंज कर सकते हैं, और रिवर्स मेथड की हेल्प से आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू में भी रीअरेंज कर सकते हैं। कॉपी मेथड की हेल्प से आप किसी भी एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कॉपी कर सकते हैं। क्लियर मेथड की हेल्प से आप किसी भी लिस्ट के आइटम को क्लियर कर सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम मेथड की हेल्प से आप किसी भी लिस्ट के अंदर अवेलेबल हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।